मेरा नाम सबीहा मोहम्मद अली है। मैं यूएई से आई हुई हूँ इलाज के लिए। 25 साल से अपोलो हॉस्पिटल में आती जाते रहती हूँ, मेरे लिए, शोहर के लिए और बच्चों के लिए। एक्सपीरियंस बहुत हो गया, बहुत अच्छा दवाखाना है। कहीं भी नहीं जाती मैं, सीधा इधर ही आती हूँ। वहाँ से भी किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे को, तो सीधा अपोलो हॉस्पिटल ले आते हैं एनी टाइम। और बहुत बेस्ट सर्विस है। अब एडमिट होके भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। घर से अच्छा सुकून दिखा। इधर मेडिसिन हर चीज़, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, सब एक ही जगह है अंदर। और डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्स सब बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट डॉक्टर में राजेश रेड्डी, न्यूरो सर्जन, उनके पास आई थी मैं 10 साल पहले, 2007 में। वहाँ से इलाज करी। उससे पहले भी छोटे मोटे हर इलाज को इधर ही आती थी, मगर एक साल कंप्लीट मैं आ रही जा रही हूँ 10 साल से। डॉक्टर राजेश रेड्डी न्यूरो सर्जन हैं। फिर मेरे शोहर का इलाज डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, शुगर का, इसका, हर चीज़ का उन्होंने टेस्ट कराते, पूरा इलाज करते कंप्लीट। और मेरे शोहर यहाँ की दवा खाते, और जो है सो वह क्या नाम है, और ये श्रीनिवास सर कने अभी 2 साल से आ रही जा रही है, इन्फेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो रही है। मैं बाहर रहती हूँ, उधर इलाज करने में और कुछ भी फ़ायदा नहीं रहा। श्रीनिवास रेड्डी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके तरफ से 8 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जा रही। और मैं टैबलेट जो भी है यहीं पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ और लेके भी जाती हूँ मैं लिखा के। RS रेड्डी जो स्किन के डॉक्टर हैं, नवा मेरे बेटे को लेके आई थी, उसकी उम्र 25 ईयर्स थी। बहुत यानी बैक्टीरिया बढ़ गया था जिसम पे, पूरा छाले वाले आ गए थे, बहुत परेशान थी मैं। लाए 8 दिन में डॉक्टर साहब ना एक इंजेक्शन दिए ना कुछ, बस टेस्टा कराए, क्रीम दिए, दवा दिए, 8 दिन में धब्बा तक ख़त्म हो गया था उसका, कोई निशान नहीं था। अभी भी मेरा बच्चा वो क्रीम इस्तेमाल करता है, कभी बाहर में लोग ड्यूटी से गए तो वो क्रीम इस्तेमाल करता है। तो बहुत बहुत थैंक यू अदा करना चाहती हूँ मैं अपोलो हॉस्पिटल का। कभी भी आए भरोसा कायम रहा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के डॉक्टर और पूरे यहाँ जो भी सर्विस में है, सिस्टर नर्स, उनका हर चीज़ की हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेंगे मैं आधी रात को यही दवाखाना आऊँगी।